अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ एकदम बढ़िया और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी एकदम मस्त होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। और अभी हम लोग सुबह के 11 बज रहे हैं लगभग, और 12 बजने वाले हैं, और हम लोग यहाँ पर आ गए हैं हाजी अली, जैसे कि आप लोग देख ही चुके हैं। और यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। पिछली बार भी जब हम लोग मुंबई आए थे 2 साल पहले, तो शादी के बाद एक्चुअली हम लोग मतलब मुंबई घूमने के लिए निकल गए थे, तो उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेकिन अंदर चल रहा था। अभी पता नहीं क्या है अंदर और कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे बाहर का दिख रहा है कि चल रहा है काम, बाकी पानी तो देख ही सकते कितना गंदा दिख रहा है। मतलब सब हमारा किया धरा है ये सब, और कुछ नहीं। और यहाँ पे जो है ना, मैंने अपनी फैमिली को भी बताया नहीं है कि मेरा ब्लॉगिंग चैनल मैंने बनाया हुआ है करके, और इतने वीडियो डाले हैं करके। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा मतलब ग्रोथ हो जाए अच्छा खासा, थोड़ा मुझे भी कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ जाए। जब आप लोग सपोर्ट करें और मुझे पसंद करेंगे, तो उसके बाद जो है फिर मैं मेरी फैमिली को बताऊँगी। तो मैंने अभी किसी को नहीं बताया है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज ही सिर्फ जान रहे हैं घर में। मतलब हम लोग सिर्फ 4 ही जन जान रहे हैं, बाकी और कोई भी नहीं जान रहा कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। और क्योंकि पता है, अगर स्टार्टिंग में बता दूँगी ना, तो फिर बहुत ज़्यादा पुश करने लगेंगे सब लोग मिलके कि ये ऐसे है वैसे है फलाना ढिकाना, मतलब करो मत करो। ज़्यादातर तो ना करने का ही वो आएगा, मतलब सब तरीके से सब तरफ से। तो इस वजह से मैंने सोचा है, और मेरे हस्बैंड भी यही बात बोल रहे हैं कि अभी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम अपना बस काम करो, और जब हो जाएगा अच्छा खासा इसमें तब तुम जो है बताना, ताकि लोग आसानी से एक्सेप्ट करो उस बात को, और हज़म हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, तुम अपना काम करती रहोगी। तो इस वजह से अभी मैंने इसको किसी को नहीं बताया। तो इस वजह से पब्लिक प्लेस पर मतलब मैं अभी नहीं बोल पा रही, क्योंकि फैमिली है साथ में। तो यहाँ पर अभी हम लोग मतलब यार ये जगह इतना वो अपनापन सा लगता है ना यहाँ आने के बाद, मतलब क्योंकि बचपन से हम लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं, और मतलब आते जा रहे हैं मतलब आ रहे हैं, और आते तो एकदम ऐसा लगता है ना जैसे घर वाली फीलिंग आती है, जैसे कि किसी अपने के घर चले जाओ, अपने कोई ख़ास रिलेटिव्स के वहाँ जो जिससे आप ज़्यादा क्लोज़ हो, तो वैसी वाली कैसी फीलिंग आती है, एकदम वैसी। यहाँ पर इंटर करो ना, बस ऐसा लगता है जैसे घर पहुँच गया कोई अपने, ऐसा वाला मतलब सुकून आता है यहाँ पर। और अब्बू यहाँ पर है ना, दोनों नातियों को अपने पानी टेस्ट करवा रहे थे, खारा पानी जो कि गांव में जो है मिलता नहीं है, तो वो इस वजह से तो बड़े वाले को पिलाए तो वो पी गया, लेकिन छोटा वाला बहुत चालाक, वो थूक दिया था पानी, लेकिन ये पी गया था। धूप इतनी कड़क थी ना कि फ़ोटो खिंचवाने में हम सब का मुँह ऐसे हो जा रहा था, बहुत भीगे यार, बहुत भीगे हम लोग पानी में, हम लोग सब भीगे पानी में, बहुत मज़ा आया। मतलब हाजी अली आओ और बिना भीगे जाओ ना, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ पिछली बार ऐसा हुआ था ना कि जब मैं मेरे हस्बैंड आए थे, हम लोग अकेले थे, तो इस वजह से थोड़ा बहुत भीगे थे, फिर भी
लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब बिना भेजे हम लोग कभी भी हाजी अली से रिटर्न गए होंगे। और ज़्यादातर हम लोग हाजी अली के बाद जो है ना, यहाँ से नज़दीक होता है गेट ऑफ इंडिया, तो हम लोग फिर वहाँ के लिए निकल गए। तो अभी बस से उतर के जो है ना, यहाँ से थोड़ा पैदल जा रहे हैं वहाँ पर अंदर जाने के लिए। मैं ही खोल के रखी थी उसी में। यहाँ पे मेरी बहन है ना, मेरी अम्मी को ये बात बता रही है कि अभी हम लोग जब बस में बैठे थे तो मेरे बगल में एक आदमी बैठा था, तो मैं अपना चैनल खोल के उस पर डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है डाल रही थी। तो मैंने सोचा फ्री हूँ तो कर लेती हूँ काम, तो वही कर रही थी मैं। तो वो मेरे उसमें देख रहा था मोबाइल में, तो वही देखते उसने पूछा ना कि कैमरा, उसने पूछा ना कि कौन सा चैनल है और ये वो सब पूछने लगा। तो वही मेरी बहन को लगा ना कि इससे पहले मैंने जो चैनल बनाया था वो उसके बारे में पूछ रहा है करके, क्योंकि उसको पता नहीं है इस चैनल के बारे में। देखो हमें, देखो ना उधर पे, अमेजिंग यार, अमेजिंग। ये चीज़ मतलब पहली बार देख रही हूँ मैं, क्योंकि इससे पहले आए थे तो उस टाइम पे भी शाम को आया था, लेकिन ये चीज़ नहीं था। रुक यहीं रुक, आएगा सब। अरे यार दो बार आया और ये मैं चल। तो गेट ऑफ इंडिया में 2-3 घंटा रुकने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। और एक मेरी बहन का जो है ना देवर लगता है, चचेरा देवर, वो आया हुआ था, वो भी यहीं पे रहता है कोलाबा में। तो वो हम लोग से मिलने के लिए आ रहा, तो उसने हम लोगों को बोला कि यहाँ से नज़दीक हम लोग पैदल जा सकते हैं, कहाँ के लिए, मरीन लाइन के लिए। तो अब यहाँ से हम लोग मरीन लाइन जा रहे हैं। क्या है मंत्रालय? ये है प्रधानमंत्री ही ना, भाषण दे। अच्छा, तो अभी ऐसा अलग ऑफिस जैसा बना हुआ है और लिखा हुआ है ऊपर ना।
इतना भयानक लाइटिंग दिया पूरा बिल्डिंग में, लाइटनिंग देख ना इतना भयानक है, एक लाइट ऐसा नहीं खराब है। हाँ सबके सब मतलब दोपहर में बहुत भयानक जला रही थी चारों बजे चला नीचे खत्म वाला एक भी मिरिंडा नहीं बजा वरना भी यहाँ एक बहुत अच्छा खासा पैदल चल गया है। वो जो वहाँ था वही ना मतलब गेट ऑफ इंडिया में यही गाड़ी आई हुई थी जिस पर जो है ना वो नारे वारे लगा रहे थे, पता नहीं क्या था वो, तो यही गाड़ी का क्रेज़ है सबको, तो यही देखने के लिए इतने लोग खड़े हैं, इतनी सेल्फी और ये वीडियो, मतलब मेरे तो पलके नहीं पड़ती ये सब बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ। और तो अब हम लोग यहाँ से सीधा स्टेशन जा रहे हैं और ट्रेन पकड़ के लोकल हम लोग घर जाएंगे, और पूरे 9 लोग हम लोग 8 लोग आए हुए हैं, तो एक मेरा जो जीजा लगता है वो यहीं पर काम करता है, इस वजह से उसको लेके 9 लोग हैं हम लोग। और हम लोग अभी चर्च गेट पर हैं, अभी देखो लोकल ट्रेन आ गया है, ट्रेन पे चढ़ते चढ़ते हम लोग रह गए, ट्रेन चालू हो गई, छूट गई ट्रेन, चढ़ के 3 डब्बा चढ़ के 3 डब्बा उतर गए, एक सीट की वजह से, दूसरा में लेडीज की वजह से, तीसरा क्या कारण था वो हम नहीं जान पाए, तब तक चल गया आपातकालीन की वजह से सीट में चढ़ नहीं पाए। तो ये है मेरी टीम पूरी, और थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक के वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग फोटो एंजॉय करो।